खोराबार थाना अंतर्गत रायगंज के निवासी रामलखन निषाद का बेटा पिछले कई वर्षों से दुबई में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मौत के 13 दिनों के बाद भी वहां की सरकार उसकी लाश भारत सरकार को नहीं सौंप रही है। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन मृतक अक्षय कुमार के पिता रामलखन निषाद ने किया। इस बारे में उन्होंने बताया, हमारा घर रायगंज कोई टोला ग्राम थाना खोराबाग जिला गोरखपुर के निवासी है। हमारा लड़का दुबई में रहता है और 8-9 साल से रह रहा था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश के 5 लोग थे और ये अकेले अपने उत्तर प्रदेश के थे, और वहाँ वाद विवाद हुआ, मोबाइल लोग छोड़ने लगे, उसके बाद सब लोग मिलकर मारने लगे। और हमारा बच्चा जो है हार्ट का मरीज था, दोनों वाल उसका बदला गया था, और वहाँ ये दुबई में ऑपरेशन हुआ है, और मारपीट होने के कारण उनको घाव लग गया, और पुलिस को बुलाए, मार खाने के बाद पुलिस इनको भी ले गई और उन दोनों को ले गए, तो जेल के अंदर 2-3 के बाद मर गए दुबई में ही, दुबई के अंदर जेल के अंदर। और उसके बाद वो दोनों आदमी बंद है, 3 यहाँ बचे हैं, इसका नाम नसैया है और प्रसाद है और लिंगम नाम है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी मिट्टी यहाँ आ जा और हम लोग दरकार उसका कर लें, और मोदी जी के पास हम लोग केस का काम किए हैं, कागज भेज दिए हैं, मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं, सुषमा स्वराज के पास भेज दिए हैं। मरे कितना दिन हो गया? 3 या 4 तारीख को मरे हैं, और लाश वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, बंद है।